आप ये थर्ड जो है अगर आप थर्ड रिलीज करेंगे वहां से जिस डायरेक्शन में आप उसको रिलीज करेंगी वहां से वो स्ट्रेट लाइन, जिस तरह सर्कल पर टेंजेंट पड़ता है एज स्ट्रेट लाइन, उसी तरह जो है वो रिलीज करेगी वहीं से जो है रेक्टिलिनियर मोशन या जो स्ट्रेट लाइन मोशन इख्तियार करेगा। तो ये पूरा जो है अगर हम इसकी ग्रेविटेशन को देखेंगे, दैट मीन्स ये जो ये एप्पल है ये टुवर्ड्स द अर्थ गिरा, ठीक है। अगर ये दैट मीन्स एप्पल जो है ये टुवर्ड्स द अर्थ गिर रहा है तो ये है ग्रेविटी। दैट मीन्स जो है हर कोई चीज जो है आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो क्या ये एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? यस डेफिनेट करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो है अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोल रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो डेफिनेटली दैट मीन्स ये जो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी इसको अट्रैक्ट कर रहेगा। लेकिन अगर हम सेकंड लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ जो है फोर्स अगर हम देखेंगे ये प्रपोर्शनल है मास एंड एक्सेलरेशन। अगर हम इसको देखेंगे ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये मास जो है ये डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स मास ऑफ द एप्पल बहुत 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 छोटा है, नेग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द मास। तो ये सेकंड लॉ हमें बता रहा है, दैट इज वाई वी कैन नॉट डिटेक्ट या हमें महसूस नहीं हो रहा है कि जो है अर्थ ये मूव होगी टूवर्ड्स द एप्पल। लेकिन अगर हम देखेंगे थर्ड लॉ तो ये अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये पूरा जो है अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें देखेंगे अगर आप एक 50 ग्राम की स्टोन फॉर एग्जांपल 1 मीटर से रिलीज करेंगे, अगर ये स्टोन है टुवर्ड्स द सरफेस या अर्थ, अगर ये अर्थ की सरफेस है 1 मीटर है, तो ये किस इसकी जो है इसकी जो है एक्सेलरेशन जो है आप नोट करेंगे जब ये अर्थ के नज़दीक पहुंच जाएगी, दूसरी स्टोन जो है सेम मास की इसको आप 5 मीटर जो है हाइट से रिलीज करेंगे। तो ये इनका जो ये इनकी जो ये मूवमेंट है टुवर्ड द अर्थ या अट्रैक्शन है टुवर्ड द अर्थ या अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इट सेल्फ, अगर इसकी जो है आप एक्सेलरेशन देखेंगे नियर द अर्थ, आप आपको ये पता चलेगा कि जो एक्सेलरेशन या ये मूवमेंट सेम मूवमेंट से जो है टुवर्ड्स द अर्थ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पूरा जो है ये इस लेसन में हमें पूरा इसी पे ये जो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ने हैं। इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन। नाउ ये ग्रेविटी जो मैंने आपको बताया कि इसाक न्यूटन ने ये डिस्कवर की है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इससे पहले देखा था लेकिन उन्होंने रिलेट नहीं कर सके ग्रेविटेशन को, या उनका जो है वो उसको थ्योरेटिकल बेस पर वो प्रेजेंट नहीं कर पाए। इसाक न्यूटन ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। अब ये इसाक न्यूटन ने कुछ ये जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया है, अगर हम देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में पहला पॉइंट क्या है, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। जो मैंने पहले बताया है कि हर कोई पार्टिकल इस यूनिवर्स में जो भी है मास जिसका होगा तो वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस फोर्स इज प्रपोर्शनल, ये बहुत ही अहम है, और ये फोर्स जो है ये प्रपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों चीज़ों का, दोनों पार्टिकल्स का या दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास क्या है ये उस पे डायरेक्ट प्रपोर्शनल है, लेकिन उनके प्रोडक्ट पे दोनों को प्रोडक्ट करना है, एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये इनवर्सली प्रपोर्शनल है वो कितने आपस में दूर है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये ए ऑब्जेक्ट है ये बी ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग होगा या सेम होगा वट एवर इट इज, और इनकी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर है, ये आर मीटर्स आपस में दूर है,
तो ये फॉर एग्जांपल ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट का मास एम वन है और बी ऑब्जेक्ट का मास एम टू है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में आर मीटर्स दूर हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एफ फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है आर, दैट मीन्स आर स्क्वायर।